अब लगभग 50 सीटों का अंतर हो गया है, ये एकतरफा होता जा रहा है क्या चुनाव? क्या ये अब कहना ठीक होगा अक्कू भाई कि ट्रेंड अब पकड़ में आ रही है, अब बीजेपी धीरे धीरे नीचे होती जा रही है 95 सीटों पर, 144 पर अब आम आदमी पार्टी 18 सीट ऊपर है बहुमत के आंकड़े से, तो क्या अब ट्रेंड स्टेबलाइज करती दिख रही है? ट्रेंड स्टेबलाइज करता दिख रहा है ये तो अभी कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है जिस तरीके से बीजेपी को पिछला पीछा हुआ दिखाया जा रहा था वो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा ऊपर परफॉर्म करेगी, लेकिन ये संभावना जरूर है कि आम आदमी पार्टी अपना एमसीडी में झंडा गाड़ेगी और वो जो सिविक सेंटर है उस पर बड़ी एक दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अक्कू भाई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ताल ठोकी है, दावा किया है कि मेयर तो बीजेपी का ही बनेगा। अब किस बिना पर कह रहे हैं? 126 है बहुमत का आंकड़ा, 31 सीटें नीचे है बीजेपी फिलहाल, जो मैं आंकड़ा आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं 95 सीटें बीजेपी की, 144 आम आदमी पार्टी की, लेकिन आदेश गुप्ता कह रहे हैं मेयर बीजेपी का ही बनेगा। चारू, किस बिना पर ये दावा किया जा रहा है? चारू है क्या या चारू हट गई हैं? अच्छा, बीजेपी के प्रवक्ता भी हट गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछना दिलचस्प होगा, किस बिना पर ये ताल ये दावा किया जा रहा है कि मेयर तो हमारा ही बनेगा? अभी तक 11 सीटें उनके जीतने की खबर है और 96-95 पे आगे आप बता रहे हैं, और मनोज तिवारी कह रहे हैं बीजेपी में भी जश्न की तैयारी है। तो अगर इस बात पे जश्न कर रहे हैं कि करीब 60 सीटें या 55 सीटें अभी हार रहे हैं फिलहाल के काउंटिंग में, तो ये तो जश्न की बात नहीं है। हाँ, वो एग्जिट पोल के बरक्स कहें तो ठीक है, लेकिन वो अभी काउंटिंग चल रही है, हो सकता है एग्जिट पोल ही इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि जिस तरह से आपका आंकड़ा स्वेल कर रहा है ये लग रहा है कि अब बाकी सारी जगहों से आ गया है, और अब ये ट्रेंड अगर ये दूसरे चैनलों पर इतना नहीं है ईसी वाले में भी, लेकिन आम आदमी पार्टी अब कंसिस्टेंट बढ़त बनाए हुए है, कम से कम 15 सीटों का हर चैनल पे जो भी डिटेल्स आ रहे हैं उसमें अंतर है, और आपके यहाँ तो बहुत भारी अंतर हो चुका है। हाँ, 50-49 टू बी मोर प्रिसाइज। अब इसके अजय शहरावत भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, बहुमत के आंकड़े से आप 31 पीछे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर हो गया है, अब रुझानों के आधार पर मैं कह रहा हूँ 49 सीटों का, पर आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि मेयर तो हमारा ही बनेगा, ये मेयर कैसे बन जाएगा अगर बहुमत नहीं होगी आपके पास? संदीप जी, देखिए ये रुझान जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं डिफरेंट हैं, और जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर अगर आप रुझान उठा करके देखेंगे तो डिफरेंट है। मुझे लगता है कि उन रुझानों को आप तक पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन जो नंबर हम लोग स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देख पा रहे हैं उन नंबरों के आधार पर हम कह रहे हैं कि आप देखिएगा दिल्ली एलजेडी में भाजपा का ही मेयर बनेगा। और दिल्ली नहीं, अजय भाई थोड़ी मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए, कौन से आंकड़े हैं वो ईसी के जिसके बिना पर आप ताल ठोक रहे हैं? हम वही आंकड़े दिखा रहे हैं जी। आप जी 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 आपके पास जो सोर्सेज के नंबर दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पर, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, एक बार दिल्ली एमसीडी की जो इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसके आंकड़ों को मैच करें, थोड़ा आगे पीछे रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता तो है। बता दीजिए ना कितने आंकड़े हैं, मैं आपसे वही बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, शर्म नहीं करता, आप जानकारी में वृद्धि कर दीजिए। मैं जी जी हाँ, हमारे वहां पर आंकड़े चल रहे हैं 112-13 हमारे और 111-12 उनके, बहुत टक्कर है, कांटे की फाइट है, ये बहुत ज्यादा ये इलेक्शन कमीशन की साइड बात संदीप भाई आपको ये इलेक्शन कमीशन की साइट का बता रहे हैं या अपनी अपनी साइट का बता रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की साइट बता रही है जी 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 135 आप, 100 बीजेपी। संदीप भाई मैं कह रहा हूँ, आप अगर एक सवा घंटा और इंतजार करेंगे तो आपको रुझान जो आते हुए दिखेंगे और जो नंबर जो अब बढ़ते चले जा रहे हैं, ये तो हमारे लिए कहते थे पहले, हमारी तो 20 सीटें भी नहीं आएंगी, हमारी 30 सीटें भी नहीं आएंगी, उनके इंटरनल सर्वे तो आप भी कहते थे, आप कहते थे हम 170 सर्वे को क्रॉस कर चुके हैं, हम एग्जिट पोल को क्रॉस कर चुके हैं, और मैं कह रहा हूं हम आपके इंटरनल सर्वे एग्जिट पोल को सबको क्रॉस करते हुए 100 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, और मैं आपको बता रहा हूं एक सवा घंटे के बाद आप देखते रहेंगे तो ये रुझान और बढ़ते रहेंगे, और भारी बहुमत से देखिएगा
हम बीजेपी एमसीडी में सरकार बनाएगी और मेयर हमारा ही बनेगा। भारी बहुमत के मायने क्या है, वो कौन सा आंकड़ा है जब आप भारी बहुमत कह रहे हैं? संदीप भाई, हमारे लिए तो भारी बहुमत ये है कि आम आदमी पार्टी ने कहा था इंटरनल सर्वे में कि हमारी 30 सीटें और हम चौथी बार भी एमसीडी में मजबूती के साथ खड़े हैं और चौथी बार भी 100 का एकड़ा अभी तक पार हो चुका है और नंबर आगे बढ़ते जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.